ओ ये रहा 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 पग मार्क्स ये रहा ठीक है। ये देखो ये रहा, ये उल्टा है। हाँ ये उल्टा है। हाँ ये पैड है। हाँ और ये फिंगर्स हैं, यानी कि इस तरफ गया है वो ऊपर जंगल है भाई। तो कोशिश करेंगे भाई कि हम इस जगह के लिए एक अभियान चलाएं, कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अगर आप कैप्चर हुए ना इसके अंदर तो भाई समझ लो। तो भाई साहब सुबह की पहली पहली किरण और साथ में चाय, इसके अलावा क्या चाहिए भाई। और भाई पहली पहली किरण के साथ हम फाइनली पहुंच चुके हैं अभी अपने कॉर्बेट में, और चाय बन रही है अभी अपनी। पहले बैठता हूँ फिर बताता हूँ जरा। चलो दादा चलो 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 ओफो भाई साहब। तो भाई साहब पहली किरण के साथ अपने पहुंच चुके हैं कॉर्बेट के अंदर, और अपने जो दिन की शुरुआत है वो हमेशा सबको पता है पहले चाय के साथ ही होती है। तो ज़रा ट्रैफिक है ना इनका, सबसे ज़्यादा इग्नोर कीजिएगा। और भाई ठंड इतनी हो रही है, हाथ देख लो हाथ काँप गए। तो भाई साहब चाय भी अपनी आ गई है, और थोड़ी सी धूप भी ज़रा बाहर जो है निकल चुकी है। अभी जब मैं रामनगर से यहाँ तक आ रहा था ना, इतनी तगड़ी ठंड थी ना भाई, इतनी तगड़ी। ये देख रहा हाथ हाथ ऐसे हो गया भाई, अब तो इसे ऐसे उठा दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सुबह सुबह की चाय, वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई साहब, मजा है। तो फाइनली अभी चाय पीने के बाद अभी हम निकलेंगे जरा अपने आगे, हो सकता है आज मरचूला की तरफ जाऊंगा। नंदकिशोर भाई वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं, और आज दीपक भाई तो है नहीं, तो आज नंदकिशोर भाई को लेके सीधा चलेंगे अपने मरचूला क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल पॉइंट की तरफ, अगर वो गए तो, नहीं तो अपना सुंदरखाल में एक अंदर एक ट्रैक करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे लेपर्ड वगैरह आते हैं वहाँ के ट्रैक किया जाए। तो खैर चाय पीते हैं, चलते हैं जरा। तो फाइनली भाई लोग अपना चाय पीने के बाद जरा हम आगे की तरफ निकल चुके हैं, और भाई क्या ज़बरदस्त ठंड हो रही थी ना यार। अभी मेरे हाथ भाई दोनों के दोनों काँप गए, दोनों के दोनों बिल्कुल लाल हो गए थे भाई। और आप सब लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वाले दो व्लॉग से, बता रहा हूँ कि मैंने एक नए चैनल की शुरुआत करी है ट्रैवलिंग वुल्फ के नाम से। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 12 तारीख को उस पर एक नया व्लॉग जो है वो आने वाला है, और ज़बरदस्त रहने वाला भाई। वो यहाँ के अलावा बाहर के जगह का होगा सारा का सारा, हो सकता है शायद कॉर्बेट का भी उसमें एक आधा व्लॉग आए। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मुझसे कि बाघों की संख्या कब तक, मतलब कितने साल बाद होती है, क्या होती है। तो मैं आपको उससे रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ कि इंडिया में जो है टाइगर की गिनती जो है वो हर 4 साल बाद होती है, और लास्ट 2018 में जब टाइगर्स की गिनती हुई थी तब समथिंग अराउंड इंडिया में 2900 समथिंग बाघ थे, और जो लेटेस्ट जो इंडिया में बाघों की गिनती हुई है सन 2022 में, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में अराउंड 3100 समथिंग बाघ्स हैं। और ये जो जनगणना है बाघों की वो हर 4 साल बाद होती है, और इनकी जो गिनती होती है ना वो एक अलग तरीके से होती है। जो एक इनका मेन जो तरीका होता है वो होता है कैमरा ट्रैप्स लगाकर, कैमरा ट्रैप्स इन द सेंस कि जो जहाँ जहाँ पर गिनती होनी है वहाँ पर अराउंड जहाँ पे आपका घुटना होता है ना, इंसानी घुटना, उस हिसाब से जो है ट्रैप, वो ट्रैप कैमरा कैमरा फीड कर दिए जाते हैं। और हिंदुस्तान में अराउंड 32,000 के आसपास जो है वो ट्रैप कैमरा लगाए गए थे, जिससे जो है बाघों की गिनती की जा रही थी। और भाई ये जो कैमरा लगाए जाते हैं ना, ये इस हिसाब से फीड किए जाते हैं जंगल के अंदर कि जहाँ तक इंसानी घुटना आता है ना वहाँ तक ये कैमरा जो है फीड किए जाते हैं, ताकि जो बाघ की जो इमेज है वो क्लियर आ सके उससे। और इनकी जो पहचान की जाती है वो इनकी धारियों से, जैसे आपने सुना होगा कि जो इंसान का जो थंब होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही टाइगर्स की जो धारियाँ होती है ना वो एक दूसरे से अलग होती है। भाई बात करते करते अपन लोग आ चुके हैं अपने नाटू उस्ताद के घर की तरफ। यहीं पे ही था नाटू उस्ताद जो मैं सबसे पहले मिला था, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाटू उस्ताद जो है ना वो छुट्टियों में चला गया है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टाइगर की गिनती है वो अराउंड 4 साल बाद होती है, और भाई एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से अराउंड 50% से ज़्यादा टाइगर्स हैं वो इंडिया के अंदर है। तो भाई ये सही में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़बरदस्त उपलब्धि है। ये जगह है भाई जहाँ से टाइगर्स आते हैं रात में, आज तक का मैंने जो सबसे बड़ा अपना टाइगर देखा ना वो यहीं का ही था जो टाइगर था ना। और भाई अब थोड़ी सी धूप निकली है तो थोड़ी सी जाके जरा हाथ जो है वो सही होने लगे हैं, नहीं तो पहले तो ऐसा हो गया था कि मेरी नाक लाल, हाथ वगैरह सब कुछ लाल हो गए थे बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह चलाते वक्त।
खैर बढ़िया यार, ये भी जय माता दी। और ये है एक छोटा सा मंदिर हमारा, और इसके बाद आ चुका है अब जरा ये पुल। तो भाई आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो डालने के बाद जिन लोगों ने भी, जो हमारे दीपक भाई हैं, उनके लिए मदद करी थी, उनका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि किसने सबसे ज़्यादा मदद करी थी और किसने सबसे पहले मदद करी थी। जिस भी बंदे ने सबसे पहले उनको मदद करी थी, चाहे वो कितने की भी हो, उसको मैं अपनी तरफ से एक जो है कॉर्बेट से रिलेटेड एक चीज़ गिफ्ट करूँगा, और उस चीज़ की बारे में मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि जा रहा हूँ अभी। शायद हो सकता है अगर दीपक भाई मिले तो दोबारा एक बार पहले उनसे पूछूंगा, नहीं तो एक बार अपने पास भी देखूंगा, क्योंकि मेरे पास भी स्क्रीनशॉट आए थे सब व्हाट्सएप पे, और एक आए थे आपके इंस्टाग्राम पे भी। तो देखूंगा जिनका भी सबसे पहले आया होगा, और सबसे पहले जिसका आया होगा उसको कॉर्बेट से रिलेटेड, उस बंदे को, उस अपने भाई को, उस अपनी बहन को, जो भी होगा उसे कॉर्बेट से रिलेटेड एक चीज़ ज़रूर गिफ्ट करूँगा मैं। कुछ लोगों ने उस वीडियो में शायद ये समझ लिया था कि जो पैसे है वो मैं अपने लिए मांग रहा हूँ। भाई वो पैसे मैंने अपने लिए कभी भी नहीं मांगे, ना मैं कभी ऐसी चीज़ करता हूँ। जैसे कि मैं आपको पहले भी, आप सब लोग वीडियोस देखते हो तो आप सब लोग समझदार हैं, सब लोग समझते हैं कि आज तक मैंने कभी ये काम करा नहीं। और ये मदद भी जो थी मैं मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही मांगी थी, जो कि दीपक भाई के लिए थी, और उन्हीं का नंबर था वो। आप चाहे तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर था। स्क्रीन पर मुझसे उनका नंबर एक गलत हो गया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जो नंबर था वो उन्हीं का था। इस बारी वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर डाल दूंगा, और स्क्रीन पे भी आपका उनका नंबर आ रहा होगा, तो एक बार आप उनको कॉल करके जा सकते हैं, मिल भी सकते हैं एक बार उनसे। बात करते करते फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं जो सुंदरखाल विलेज। और भाई ये जगह इतनी ख़तरनाक है, आप लोगों से साथ में एक और चीज़ बता देता हूँ इन सब जगहों को लेके। कुछ लोगों को शायद गलत फहमी क्या पेड़ दिख रहे हैं भाई, लेकिन इन सब जगहों को लेके ना कुछ लोगों के दिमाग में ज़रा गलत फहमी है कि कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर जाएंगे और जंगल के अंदर चले जाएंगे। भाई इन जंगलों के अंदर लगा रखे हैं कैमरा ट्रैप्स। तो भाई फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं जरा सुंदरखाल विलेज में, और भाई क्या धूप पड़ रही है यहाँ पे। आप सब लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ जरा, ये कुछ इस तरीके का ज़बरदस्त सभी तरीके से गांव है, और इस गांव में यहाँ पे लोग जाते हैं ज़रा लकड़ियाँ वकड़ी लेने इस तरफ अंदर। और आप लोगों से एक चीज़ बता देता हूँ कि गाँव के अंदर अगर आप, कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ से जाके सीधे अंदर चले जाएंगे, तो ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि इन जगहों पे जो है ना वो लगे हुए हैं आपके कैमरा ट्रैप्स, जो कि घुटने तक के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। और अगर आप कैप्चर हुए ना इसके अंदर, तो भाई समझ लो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने, कुछ लोग अगर जंगल के अंदर जाते भी है ना, तो मैं उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि एक तो पहली बात ये कि टाइगर टेरिटरी है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स लगे हैं। अगर आप कैप्चर हुए तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कभी यहाँ पर आके ऐसी गलती ना करें। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप एक बार जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है भाई साहब आपको बहुत, तो ना कीजिए, अच्छी है। और फाइनली अभी मैं पहुँचूंगा अपने भाई दीपक भाई की चाय की दुकान पर भी। दीपक भाई तो नहीं है, मिलवाएंगे उन्हें अभी थोड़े उनसे, मतलब मिलवाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो भाई सही है, यही है जो भी है। हाँ पहले से बंद कर दो जरा। तो भाई आए तो थे हम जरा सुंदरखाल में चाय पीने, लेकिन मिल चुके हमें हमारे वापस नंद किशोर भाई। हेलो दादा, बहुत दिनों बाद फिर से दो दिन हो गए हैं भाई, दो दिन बाद भी ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए। और भाई फाइनली नंद भाई और हम जरा चल रहे हैं अपनी स्कूटी पे आगे अपने मोहन की तरफ, तो जरा घुमाते हैं गाड़ी, क्योंकि आज है पूरी रोड खाली, मजा आएगा लेकिन आज देखने में। चले बिल्कुल चले भाई। और भाई अभी रुका हूँ जरा एक साइड में, भाई ने बताया कहाँ पर एक पग मार्क किया है। ओ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा पग मार्क, ये रहा, ठीक है, ये देखो ये रहा, ये उल्टा है। हाँ ये उल्टा है। हाँ ये पैड है। हाँ और ये फिंगर्स हैं, यानी कि इस तरफ गया है वो, ऊपर जंगल की तरफ को गया है, यहाँ से आया है वो। ये देखिए ये रहा, ये पग मार्क है, ठीक है, सामने वो भी पग मार्क्स है, वो रहा पग मार्क्स, यानी कि उस तरफ से आया है वो, उधर से आया है, पूरा यूं घूम घाम के पूरा का पूरा यूं गया है भाई वो जंगल की तरफ। अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ा पग मार्क्स है भाई, ये देखो पूरा अंदर से आया वो जंगल की तरफ से, मतलब इस रास्ते से आया वो आने जाने में ले रहा है। हाँ यहाँ से आया दादी वो। ओ, ये रहा एक पग मार्क, ये रहा पैर का निशान, मतलब उस तरफ से आया दादी वो वहां से आया पूरा घूमते घूमते, और यूं गया है टाइगर अंदर क्रॉस कर रहा है, मतलब ये आए दिन हो गया अभी ये। ठीक है ये मतलब लेटेस्ट है, ठीक है, ये अगर पुराना होता ना ये तो ये दब जाता आराम से पग मार्क, लेकिन ये बिल्कुल नया पग मार्क है यहाँ से। सही कही है भाई की, कोशिश कर रहे हैं भाई भी, जैसे सोच रहे हैं मैं भी वैसे सोच रहा हूँ कि एक ना एक स्वच्छता अभियान चलाते हैं यहाँ पे,
जंगल के अंदर, मतलब साइड साइड रोड रोड, ज्यादा अंदर नहीं। और भाई अवेयरनेस जिससे लोगों के अंदर फैले, और भाई यहाँ पे इतनी गंदगी कर रखी है ना लोगों ने, मानते नहीं है, मानते नहीं है भाई, मानते नहीं है लोग। और हर जगह गंदगी देखो, बियर की कैन है यहाँ पे, कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है। ये हरकत यार ठीक नहीं है जंगल के अंदर आके, क्योंकि जंगल अपना है, और अगर हम ही से खराब कर देंगे तो फिर क्या, कुछ नहीं बचेगा। इतनी शानदार चीजें कहाँ मिलेगी देखने को हिंदुस्तान के अंदर यार। चलें दादी आगे, बिल्कुल चलो दादी। आप ये भाग रहे हैं आपके स्पॉटेड डियर, देख रहे हो, क्या जबरदस्त लग रहा है भाई आज दिन। मुझे लग रहा है यार नंद भाई अपना बढ़िया हो रखा है ना, हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं। साइन देखो कितना मस्त मिला है स्पॉटेड डियर का, ये हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं। लेकिन हैंकर मस्त है यार, ये तो वाइल्ड लाइफ है अपने, यही है, यही है चीज भाई। और फाइनली जरा पग मार्क्स देख के जरा हम दोनों आगे निकल चुके हैं, नंद भाई और मैं, जो भी है पग मार्क्स देखने के बाद ना और उत्साह बढ़ गया, ये तो है। और भाई नंद भाई का अगर यूट्यूब चैनल आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, मैंने पहले वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देखिएगा, जरूर मिलेगा। अगर आपको डायरेक्ट सुंदरखाल विलेज की सारी चीजें देखनी है और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एनकाउंटर्स देखने हैं ना जबरदस्त, तो नंद भाई का एक बार जरा यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त। और ये हमारे आगे है लंगूर साहब, जो भाई टाइगर को देख के बहुत ही जबरदस्त, स्पॉटेड डियर भी है, दोनों चीजें एक साथ, दोनों चीजें एक साथ। तो भाई इसीलिए आज सुबह सुबह आए हैं ताकि ये जो वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटी है जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी कैप्चर कर सके। और हम आ चुके हैं अभी एलिफेंट कॉरिडोर में, यहाँ पे लिखा भी था हाथी बहुल्य क्षेत्र। भाई साहब सामने देख रहे हो, सामने का पहाड़ी क्या खतरनाक है। तो भाई साहब आप लोग देख रहे हो कुछ ये लकड़ी, कुछ लोग अपने लोकलाइज लोग काट रहे हैं, क्योंकि जो लोकलाइज है अपने यहाँ पे उनको परमिशन होती है लकड़ी काटने की। भाई साहब बफर जोन में आकर के लकड़ी काटने की, और भाई कुछ लोग इतने तेज हॉर्न बजाते हैं ना एक बार को हाथ भी काल जाते हैं। ये देखो हाँ, ये जगह सामने, ये वाली हाँ, इस जगह से टाइगर आते हैं तो नाले बने हुए हैं ना बरसाती। हाँ हाँ हाँ, मेन रास्ते से जंगल से आने में थोड़ी टाइगर ना कभी कभी अवॉइड करता है। हाँ, तो लोगों टाइगर ज्यादा ज्यादा प्रेफरेंस देता है ऐसे मोड़ पे ना, कहीं पे अचानक से उसे कहा जाता है उसकी कैमोफ्लेज का किंग है वो। और ऐसी ऐसी जगहों से भाई टाइगर आके जो है अपना आके आराम से बिल्कुल छुप सकता है, ताकि सामने से भी निकल सकता है वो। देखो ये तो यहाँ से भी, यहाँ से अपना आ सकता है अपना आराम से, और यहाँ से अपना आराम से वो जा सकता है भाई, जिससे वो आराम से छुप जाए और जो भी चीज़ हो आगे हिरन वगैरह कुछ भी उसे आसानी से बिल्कुल देखने को पकड़ने को मिल जाए, क्योंकि कॉम्फ्लाज के थ्रू ही वो पकड़ पाता है, ज़्यादा दूर तक चेज नहीं कर सकता टाइगर, ज़्यादा दूर तक चेज तो नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है ये जगह रुकना, और गर्मियों में तो भाई ऐसी जगह रुकता है क्योंकि इन्हीं जगह पर ठंडी होती है, ठंड भी मिल जाती है। तो भाई ये जगह है कि जबरदस्त है भाई, स्पॉटेड डियर या कोई भी अदर एनिमल एकदम से आएगा तो एकदम से पकड़ेगा। भागेगा तो पत्थर में गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो भाई सही है, ये जगह बहुत ही जबरदस्त। अब यहाँ से चलते हैं, चल आगे अपना यार, मस्त चीजें बताते हैं रवान नंद किशोर भाई। तो भाई फाइनली हम लोग जो है अपना पहुंच चुके हैं जीरो पॉइंट पे, जिसे कहते हैं व्यू पॉइंट भी कहते हैं, नंद किशोर भाई और मैं। और यहाँ पे लगी हुई है एक चेतावनी जो कि आप पढ़ सकते हैं, ये है वन आरक्षित क्षेत्र है और यह वन्य जीव बहुल्य क्षेत्र है। तो भाई पूरी इस जगह को आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त करके इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगाई गई है, क्योंकि कुछ लोग जो है मानते नहीं है, यहाँ पे आके बदतमीजी करते हैं, गाड़ियाँ रोक के बैठ जाते हैं, यहाँ पे हरकतें करते हैं अपनी, और बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हुए जिसमें टाइगर ने जो है लोगों को पकड़ा भी है। हाल कर रखा है, क्या लगता है कि मानेंगे मानेंगे इन लोग? बहुत ही बुरा हाल कर रखा है, हम तो थक गए कसम से, इतना हम भूल चुके हैं आज की डेट में वाइल्ड लाइफ और जो लोगों की लाइफ है वो किस तरह से जीनी चाहिए, बट लोगों को लाइफ ये नजर आती है। सही में सही में सही में, सिर्फ और सिर्फ लाइफ में लोगों को ये चीजें कचरा कचरा पूरा कचरा पूरा कचरा कर रखा है, ये नहीं नजर आता कि अगर साफ सफाई रहेगी तो स्वच्छ हवा, हाँ, अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, सही में, ठीक है, लॉन्ग लाइफ होगी आपकी, सही में, वाइल्ड एनिमल्स भी खुश होगा, मतलब कैसे भी अर्थ बैलेंस में बना रहे इस पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे, इस तरह का ये हरकतें कर रहे हैं, हरकतें हो रही है, थक गए अवेयर करते करते। सो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि देखिए जब भी आप जिम कॉर्बेट में आते हैं तो जरूर आप इंजॉय करिए, बट इंजॉय ऐसा करें कि जो भी आप डस्ट ला रहे हैं वो वहीं से यहाँ से वापिस ही लेके जाएं, वो सारे ना आप एक कैरी बैग में खुद के साथ में
वापस लेकर जाए और ऐसी जगह पे उसे ड्रॉ करे जहाँ पे डस्टबिन हो, प्रॉपर बने हो। एक बात हूँ, जानवर भी जो है ना अपना घर स्वच्छ रखता है, और हमारी हालतें जो रखी रखी है ना वो जानवरों से भी ज्यादा घटिया हो रखी है कि अगर हम ये सब चीजें हरकतें कर रहे हैं। कहते हैं ना आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, तो मैं तो ये मानता हूँ कि ना लोगों आप प्रेरणा लीजिए जानवर से। जैसा कि अभी रोहित भाई ने कहा कि जानवर भी स्वच्छ रहते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जानवरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर जानवर किसी जगह पे बैठता है ना, उससे पहले अपनी पूंछ से साफ करता है, साफ कर लेता है। बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद वो उस जगह पर बैठता है, मतलब सही बात है भाई। उसे भी गंदगी नहीं पसंद है भाई। तो कोशिश करेंगे भाई कि हम इस जगह के लिए एक अभियान चलाएं, कोशिश करेंगे धीरे धीरे। और खैर वो सब चीज अभी रखेंगे एक साइड में। और भाई इतनी खूबसूरत जगह ना भाई, यहाँ पे आने के बाद दृश्य ऐसा हो जाता है कि भाई यहाँ से नजरें हटती नहीं है, एकदम जबरदस्त। और अभी तो यहाँ पे कैसी मतलब कोई मुझे वाइल्ड लाइफ की एक्टिविटी दिख नहीं रही, तो आगे चले जाता फिर अभी है ना, तो थोड़ी आगे चलते हैं। भाई ने अपना जो व्लॉग भी है वो भी अपलोड करना है, और थोड़ी आगे चलते हैं फिर ज़रा देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है अपने को। सो फाइनली गाइज वहाँ से तो हम निकल चुके हैं, और सूरज की रोशनी क्या जबरदस्त पड़ रही है। नंद किशोर भाई को भी हमने उनके घर पर ड्रॉप कर दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ ज़रा वापसी अपने घर काशीपुर की तरफ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना है, बोलना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और भाई फिर से वही कहना चाहूँगा, जो अपना दूसरा चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस आएंगे उसमें भी, रखते हैं।